Hello guys, welcome to New World. I am here to provide some information to you. Hope this information is useful for you. So let's start part 2, which I already covered in part 1 about boat and their history with some products. But now I am going to talk in part 2, the special for Airbus 414. So the video starts from here. Look at this. This is the box. So yeah, I think I need to talk in Hindi because some of my viewers or YouTube family members who are struggling to understand English. I think it's better if I'm talk in Hindi, so they will also understand what I'm saying. Because not everyone in my group, which they easily understand what I'm saying. So I think Hindi is the best option for this platform. इतने भी बड़े कंपनियाँ होती है ना, उसका जो मेन जो डब्बा होता है ये कितना अच्छा बनाता है. ये देखिए इसका डिज़ाइन और इसका स्ट्रक्चर. जितने भी अच्छे ब्रांड होती है ना, उसका मार्केटिंग लेवल एक अलग होता है और उसका पैकेजिंग इतना ज़बरदस्त होता है ना कि आपको लगता है कि भाई क्या क्या इसकी पैकेजिंग है. देखिए इसको, इधर का फिगर स्टील है, ठीक है. जब ये क्या है, जो कि ये कागज़ का बना हुआ है, ये इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा है, इतना हैवी है. ठीक है, इसको हम साइड करते हैं. हम दूसरा बात करते हैं इसके इस फोम के लिए. ये फोम मुझे बहुत पसंद आया, शायद आपको नज़र आ रहा होगा. ठीक है, ये मिला है बोर्ड की ओर से. थैंक यू नोट्स. जो इस पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि रॉक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, बोट का कौन कौन सा प्रोडक्ट है, और जैसे वॉच वॉच हो गया, और हेडफोन हो गया, एयरबड्स हो गया, चार्जिंग केबल हो गया, ये सब इसमें. ये भी एक तरह से मार्केटिंग ही है. आगे आते हैं, ये वारंटी कार्ड है. इस QR कोड को स्कैन करके आप मालूम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कब आप खरीदे हैं. और एक्ट नाम है एयरमॉफ, लेकिन पेयर इसमें है और दो पेयर बाहर है, यानी एक्सटर्नल है. टोटल कंपनी 3 पेयर दिया है. आपको जो चॉइस है उसको आपको इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ज़्यादातर यूजर्स क्वेश्चन करते हैं कंपनी के पास, इसीलिए आपने मेंशन कर दिया है. चलो कि टॉप 5 या टॉप 10 कोर्स इस पर रख दिया है. जैसे कि अगर दो एयरबड्स है, हम एक यूज करने जाते हैं तो क्या करें, वो भी डाल दिया है. अगर कोई एयरबड्स काम नहीं कर रहा है तो क्या करें, वो भी डाल दिया है. अगर बहुत अगर आप खरीदेंगे ना, तो ये इस तरह आपको मिलेगा. ये लगभग 8-10 क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको ऐसा पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा. तो उसी तरह मैं डब्बा है, ठीक है. कितना अच्छा इसका प्रिंटिंग किया है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है. ये इसका इसका प्राइस है 1499, यानी 1499 रुपये. इसमें भी एक और कलर है जिसमें लगभग 200-300 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगी. जैसे कि वो वाइट लेते हैं, वाइट कलर, तो उसका 300 डिस्काउंट है. सबसे महंगा ब्लैक है. ब्लैक चलते क्यों महंगा मिलता है, क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो टेक्नोलॉजी में सबसे हाईएस्ट रेटिंग पर है. सब कुछ जाता है कि ब्लैक खरीदे, व्हाइट को नहीं खरीदा जाता है. तो व्हाइट का दाम सस्ता होता है किसी भी चीज़ में. आईफोन बात नहीं करें, आईफोन तो व्हाइट महंगा किया है. इसी आईफोन जो है वो बड़े लोगों की फ़ोन है, वो अमीर लोग उसको रखते हैं, तो उसका अलग सिस्टम है और बाकी का अलग सिस्टम है. तो मेन शोकेस के बारे में, इसके बारे में, ये आपको दिख रहा होगा चार्ज डॉट दिख रहा है. जब आप इसको चार्ज करेंगे ना तो ये ब्लिंक करेगा, और ये जहाँ तक ब्लिंक करेगा यानी आपका ये जो शोकेस है वहाँ तक चार्ज हो चुका है. अगर चार्ज तक ब्लिंक कर रहे हैं और ब्लिंक स्टॉप हो गया है, इसका मतलब कि चार्ज हो चुका है. आप इसको निकाल दें. इसको चार्ज करने में टोटल टाइम लगता है 2 घंटा, और ये चलता है कम से कम 3 से 4 दिन. 4 दिन तक चार्ज नहीं करोगे तो ये बैकअप दे देगा. इसका स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और जो इसका अंदर का एयरबड्स है वो चार्ज होता है 1 घंटा. देखिए ये हो गया. आपको कैसे खुलना है, एक हाथ पकड़िए ऊपर से, एक हाथ नीचे से. इसको हल्का साइड दीजिए, देखिए ऐसा ऐसा. लेकिन बहुत लोग जो है इसको सही से नहीं देख पाता है और वो उल्टे खोलता है, ठीक है. वो उल्टा उल्टा खोलोगे तो टूट जाएगा. देख देखो ये है और ये है. तो आपको सीधे क्या देखना है, देखना है कि किस साइड ये गैप दिया है. देख लो, जिस साइड गैप दिया है उसी साइड खुलेगा. देखो इसको ऐसा खोलना है, इसको सिंपली ऐसा पकड़िए. अच्छा, इस पर एक और है, देखिए ध्यान दें. इस पर लिखा होगा राइट और लेफ्ट, देख रहे हो. एल मीन्स लेफ्ट और राइट, आर मीन्स राइट. तो इसमें जैसे ही आपको अगर रखना होगा ना, तो आपको इसमें सबसे पहले एक शेप दिया है, यानी एक खाचा दिया है. अब इसमें वही फिट होगा जो यहाँ पहले दिया गया है. ऐसा नहीं कि अब लेफ्ट का एयरबड्स राइट में नहीं आएगा और राइट का एयरबड्स लेफ्ट में नहीं आएगा. तो जिसका होगा वो वहीं पर फिट होगा. तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है. आप रखो, फिट नहीं आया तो पूछ जाओगे उस साइड का है, या इस साइड रख रहे हो, अगर फिट नहीं आया तो पूछ जाओगे वो राइट साइड का है. हम क्या रख रहे हैं, अब इसको बोलते हैं एयरबड्स. देख रहे हो, इसमें देखिए इसमें क्या क्या खासियत है. इसके देखिए सबसे नीचे देखिए, दो डॉट है. ये दो डॉट हैं. इस ये शो केस में रखने पर अंदर 2 कील होगा. ये दोनों कील में ये जगह टच करता है, ये चार्जिंग होना शुरू हो जाता है. और ये बोर्ड का लोगो है. और नीचे देखिए एक छोटा सा एक होल है. ये क्या है, ये स्पीकर. इसमें देखिए, इसमें आपको साइड में एक सेंसर दिखेगा. देख रहे हो आप सेंसर, ये यहाँ एक सेंसर है. इसी सेंसर से आपको टच करने पर ये स्टॉप होगा,
या म्यूजिक प्ले होगा या कॉल रिसीव होगा, मतलब जो भी काम करना है आपको इसी टच से होता है। और यहाँ एक साइड में छोटा होल है, ये होल इंडिकेट करता है कि आप क्या कर रहे हो इसके साथ। अगर जैसे मान लीजिए कि ये आपके कान में है और इसमें ईयरबड्स की हो, तो अगर म्यूजिक प्ले होता है तो इसमें एक छोटा सा एक लाइट जलती है और कॉल आता है और कॉल उठाते हो या कॉल आता है या उसी टाइम में इसको आप देखते हो तो एक हल्का सा एक ब्लिंक करेगा, यानी ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। तो इसमें दो होल है, एक अपर साइड एक लोअर साइड। लोअर साइड वो ये आवाज़ यहाँ से लेगा और ये स्पीकर पर काम करेगा, और यहाँ पर एक लाइट है जो इंडिकेट करता है लाइट की क्या है। चलिए और ये देखो, ये पूरा एक सेफ है, इसका बैटरी इसमें है और इसमें एक स्पीकर भी यहाँ साइड दिया है और ये मफल बोलते हैं इसको। तो चलिए इसका काम हो गया, अब बात करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको ऑन कैसे करना होता है, तो इसको ऑन करने का कुछ उपाय है। जैसे फर्स्ट में कि इसको 8 सेकेंड तक इसको यहाँ पे ऐसा हाथ से प्रेस करते रहें 8 सेकेंड तक, तो ये ओपन हो जाएगा। और अगर आपको दोनों ओपन करना है तो दोनों पर ऐसा हाथ करना पड़ेगा, ऐसा हाथ या ऐसा हाथ या ऐसा, दो मन करे ऐसा हाथ करना पड़ेगा, तो ये दोनों ओपन हो जाएगा। तो आप उस डिवाइस में ब्लूटूथ खोलना है और उसको सर्च में डाल दीजिएगा, तो इसको सर्च कर लेगा एयरडॉप 1 for 1। तो अगर तो उसको प्रेस कीजिएगा तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही कनेक्ट होगा तो इसमें से रेड और वाइट बिलिंग करेगा, यानी ये कनेक्शन पूरा हो गया। अब आगे आते हैं, और अगर 3 मिनट तक कनेक्ट नहीं हुआ तो आपको फिर से इसको ऑफ़ कर दीजिए, ये एयरडॉप को ऑफ़ कर दीजिए, फिर से ऑन कीजिए तब तक ये कनेक्ट। और इसमें एक ये है, अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस एक बार इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो जैसे ही इसको इस शोकेस से बाहर निकालते हैं ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आप इसको यहाँ से ऑफ करें या ऑन करें उसको मतलब नहीं है, जैसे बाहर निकले तो ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर लेगा, बशर्ते उस डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। तो इसमें एक फीचर दिया है जो बहुत अच्छा है, ताकि आपको बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आप इस दोनों को वन बाई वन करके यूज कर सकते हैं। उसको हम स्टैंडर्ड भाषा में बोलते हैं मोनो मोड। मोनो मोड मीन्स यू कैन यूज ईच ऑफ देयर वन बाई वन, दैट इज कॉल्ड मोनो मोड। ओके, लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक एंड मोनो मोड। होता है कि अगर आप सिंगल यूज करते हैं, यानी अगर आप इसको मोनो मोड यूज करते हैं, तब अगर म्यूजिक आपने जो प्ले किए हैं अगर म्यूजिक बीत गया और नेक्स्ट म्यूजिक आ गया, तब आप वापस नहीं आ पाओगे, इसके थ्रू नहीं आ पाओगे। आप डिवाइस के थ्रू आ पाओगे लेकिन इसके थ्रू नहीं। लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ यूज करते हो तब वापस आप आ सकते हो इस। अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप या कोई भी डिवाइस एक बार इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो जैसे ही इसको इस शोकेस से बाहर निकालते हैं ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आप इसको यहाँ से ऑफ करें या ऑन करें उसको मतलब नहीं है, जैसे बाहर निकले तो ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट कर लेगा। बस सेंसर पर बात करते हैं, जो यहाँ पे इसके सेंसर दिया गया है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है वो सेंसर था हल्का सा। देखिए यही बोल रहा है, अगर आप 3 बार टैप करते हो तो ये बीस्ट मोड खुलेगा। अगर इसको 8 सेकेंड तक होल्ड किए हो तो ऑन हो जाएगा, और 5 सेकेंड तक होल्ड किए हो तो ये ऑफ हो जाएगा। बात करते हैं कि जब इसका काम खत्म हो जाता है तब आप इसको वापस कहाँ रखना है, फिर आपको उसी उसी शोकेस में रखना है जिसे आप निकाले थे इस। अच्छा, जब आप रखेंगे ना तो यहाँ पे रेड ब्लिंक करेगा, रेड रेड अगर ब्लिंक किया तो बुझ जाइए कि ये चार्ज हो चुका है। देखिए देखिए रहे, यानी ये अभी चार्ज हो रहा है, देखिए हो रहा है। अगर सिर्फ रेड ब्लिंक करेगा इसका मतलब ये है कि ये चार्ज हो चुका है। रेड कुछ सेकेंड के लिए ब्लिंक करता है और बाद में वो कुछ भी ब्लिंक नहीं करेगा, इसका मतलब है कि ये चार्ज हो चुका है और आराम से वो सिर्फ उसमें अब पड़ा है, चार्ज कोई एक चार्ज नहीं है, तो वो उसको चार्ज करेगा। और जो चार्ज हो गया होगा वो शांत होगा। देखिए इसमें क्या है, ये शांत है, ये हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये चार्ज हो चुका है, क्योंकि ये पहले से इसमें है और हम इसको लेकर वीडियो बना रहे थे तो ये कुछ देर बाहर था, इसकी वजह से ये चार्ज हो रहा है। अगर दोनों चार्ज हो गया तो ये नहीं जलेगा, नहीं जलेगा, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर लाइट है, ये लाइट नहीं जलेगी, अभी बंद हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि सब चार्ज हो चुका है, जो दो है दोनों चार्ज हो चुका है। तो ये लाइट ऑफ इस वजह से कि इसमें भी बैटरी है जो इसको चार्ज करती है, तो वो सेव हो जाए। जब ये 20% डाउन आएगा तो यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर देगा, यहाँ पे इसका मतलब है कि ये चार्ज खोज रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। अगर आप सिंपली इसके सेंसर पर एक बार अगर टैप करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा, अगर आप 2 बार टैप करते हो इसका मतलब क्या है, वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि म्यूजिक चल रहा है, एक बार टैप करते हो तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा, और 2 बार टैप करते हो तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। 2 बार टैप करते हो राइट साइड में तो म्यूजिक चेंज करके नेक्स्ट वाला लाएगा, 2 बार टैप करते हो लेफ्ट साइड और तो ये म्यूजिक प्रीवियस लाएगा। करेंट सॉन्ग इज नॉट इंटरेस्टिंग टू लिसनिंग टू यू, तो जस्ट डबल टैप, दिस द सॉन्ग इज स्किप्ड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज कमिंग टू योर डिवाइस। इफ सपोज द सॉन्ग इज क्रॉस्ड अनदर सॉन्ग एंड यू वाज लाइक दैट सॉन्ग, सो यू नीड टू डबल टैप ऑन द लेफ्ट साइड
That means you are going to back on the previous song. Okay. वायरिंग जो है इसका ये यहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए आपको डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, लैपटॉप हो चाहे वो स्मार्टफोन हो। एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, अगर आप 3 बार टाइप करते हो तो वो हो जाएगा बीस्ट मोड। बीस्ट मोड होता है कि वो आपको लेटेंसी कम कर देगा, यानी जितने जितने टाइम में आपके डिवाइस में कनेक्ट कर देगा सेम टाइम यहाँ पर बचेगा। अगर आप पब्लिक खेलते हो तो पब्लिक भी बेस्ट है बीस्ट मोड, क्योंकि उसमें लेट नहीं होता है, जो साउंड आ रही है सेम साउंड आपके कान पर आती है। और यहाँ कंपनी दावा भी कर रही है कि ये गेमर के लिए बेस्ट है, जो भी पब्लिक खेलता है लोग, जो भी फ्री फायर खेलता है उसके लिए बेस्ट है। और जब आपको लगे कि हाँ मेरा काम हो चुका है तो इसको इसको आराम से यहाँ से निकालिए और सिंपली इसमें डाल दीजिए, ऐसा ऐसा डाल दीजिए। डाल देने के बाद क्या होगा कि अब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, 3 से 4 सेकंड में आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप जैसे ही इससे बाहर निकालते हैं, ऐसे बाहर निकालें 1 सेकंड के अंदर ये ऑन हो जाएगा, ये खुद में ऑन हो जाएगा। और अगर आपका डिवाइस में ब्लूटूथ ऑन है तो ये ऑटोमेटिक उसे कनेक्ट हो जाएगा। इतना फास्ट सर्विस दे रहा है कि इसके क्या बताया जाए, मस्त लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये टाइप चार्जिंग है। और इसके नीचे में एक चार्जिंग सॉकेट दिया है, अब आराम इसको डालिए, यहाँ से ऐसा डाल दीजिए। और आपके पास जो भी चार्जर है, सी टाइप हो या बी टाइप हो या यूएसबी, कोई भी चार्जर हो, उसका एडेप्टर लीजिए और ये लीजिए, आप उसे कनेक्ट करके आप अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर वो दिखा रहा है कि कितना चार्ज है, देख रहे हो फुल चार्ज है। ये जब हम खरीदे हैं तभी का फुल चार्ज किए हैं, और आज काफ़ी समय हो गया फिर भी वो वही वही है। और हमने इसको चेक करने के लिए बहुत सारा गाना भी सुने हैं, वो फुल वॉल्यूम में लगभग 8-10 गाना सुने हैं फुल वॉल्यूम में। उसके अलावा कुछ ऐसा ही छोड़ दिए थे कि कितना टाइम में क्या लॉस हो रहा बैटरी, तो बैटरी कुछ भी लॉस नहीं हुआ, लगभग 7 से 10% तक लॉस हुआ। हम कम से कम 2 घंटे कंटिन्यू कुछ हम बजाते रह गए। तो इसका बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया है, अभी तक बढ़िया लगा, जब अभी बढ़िया लगा तो भविष्य में भी बढ़िया लगेगा। चलिए धन्यवाद। और